अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में जहाँ पे पेपर की मार्केट है। जी जी जुवेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि पेपर की कौन कौन सी क्वालिटी इनके पास अवेलेबल है और उसमें कौन कौन से साइजेज अवेलेबल हैं। आइए जुवेर साहब बताइए। सबसे पहले बताएं जी आर्ट पेपर में कौन कौन सी कंपनी का पेपर अवेलेबल है आपके पास जी? ये आर्ट पेपर है निविया का है। निविया का है, निविया का है। इसके अलावा जापानी भी है और भी क्वालिटी है। ये निविया का कितने ग्राम का? 113 ग्राम का है। 113 भी है, 80 भी है, 115 भी है। ठीक हो गया। 128 भी है, 128 भी है, 135 भी है, 150 भी है। 50 भी है। ये आर्ट पेपर की सारी वैरायटी पड़ी हुई है जिसमें 113 ग्राम है, बल्कि 80 ग्राम से शुरू होता है, 80 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक मुख्तलिफ तरह के पेपर इनके पास अवेलेबल हैं। आर्ट पेपर जो है वो आमतौर पे जो आपके एडवर्टाइजमेंट होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैगजीन्स होते हैं जो हाई क्वालिटी, चूँकि ये ग्लॉसी पेपर होता है इसकी फिनिश बड़ी अच्छी आती है, जो इंक होती है इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती, इस वजह से इसके अंदर प्रिंटिंग का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आर्ट पेपर जो होता है ये इस्तेमाल होता है हमारी जो हाई फिनिश जॉब्स होती हैं उनके लिए। इसके अलावा ये इनके पास कलर में पेपर्स पड़े हुए हैं, कलर चार्ट हैं जो कि आमतौर पर यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। उसके अलावा जी क्या क्या है? इसके अलावा ये ऑफसेट पेपर हैं जी। ऑफसेट पेपर जो है जो कि स्टेशनरी वगैरह के लिए या बाकी के स्टेज के लिए यूज़ होता है। ये आर्ट कार्ड है, इसके नीचे ऑफसेट है और ऑफसेट पेपर है। ये देखिए ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट पेपर है, इंपोर्टेड पेपर है जो कि इस्तेमाल होता है हमारी स्टेशनरी वगैरह के लिए, हमारे लेटर पैड है, जो कंप्यूटर के लिए पेपर यूज़ होता है वो भी यही पेपर होता है। इसके अलावा ये है, ये स्कॉलर कार्ड है, इसमें वाइट और क्रीम शेड होते हैं और भी शेड होते हैं, वो कलर भी होते हैं। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से टेक्सचर पेपर है जो कि काफ़ी हाई ग्रामेज में होता है, जो कि स्कूल वगैरह पे आपने कुछ जो काम करने होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। समटाइम्स बहुत अच्छी क्वालिटी में कोई बंदा अपने टाइटल के लिए लगाना चाहे तब भी ये यूज़ हो सकता है। कंप्यूटर से आपके डिजिटल प्रिंटिंग के लिए भी पेपर यूज़ होता है। ये स्टिकर वगैरह है, ये सिल्वर स्टिकर है, इसमें गोल्डन भी होता है। ये स्टिकर है जी, आम वाइट स्टिकर भी होता है, ये सिल्वर कलर का स्टिकर है स्पेशल, जिसके ऊपर जिसकी लुक जो है वो सिल्वर कलर में आएगी। इसके ऊपर अगर हमने प्रिंटिंग करनी है तो हमें वाइट कलर पहले प्रिंट करना पड़ेगा, फिर बाकी कलर प्रिंट आएंगे। मेटेलिक लुक के लिए यूज़ होता है, बड़ा अच्छी क्वालिटी का ये स्टिकर है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये भी स्टिकर है। इसी तरह ये भी, ये जो सेल एडहेसिव पेपर है ये ट्रांसपेरेंट है, ये येलो कलर इसलिए नज़र आ रहा है कि नीचे वाला जो है वो येलो है, ऊपर वाला जो कलर है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है। जब इसके ऊपर प्रिंट करके कोई चीज़ किसी सरफेस पे लगाएंगे तो ऐसे लगेगा वो सरफेस डायरेक्टली प्रिंट है, चूँकि इसका अपना कलर कोई नहीं है, अपना ये ट्रांसपेरेंट कलर है।